नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा पनीर बटर मसाला की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की, जैसे कि आपको रेस्टोरेंट में खाने को मिलती है या फिर आप ढाबे में खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के मज़ेदार सी क्रीमी सी जो है हम जो है ये पनीर बटर मसाला बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितना मज़ेदार लग रहा है। इस तरह से हम इसको बनाकर गार्निश करेंगे अब हरे धनिए की पत्तियों के साथ इस तरह से, और इसके ऊपर रखेंगे कुछ अदरक के लच्छे, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अपना रोगन ये जो हमने बनाया, और साथ में जाएगी इसके अंदर हल्की सी क्रीम। क्रीम डाल सकते हो, नहीं तो आपके घर में जो दूध में से मलाई निकलती है वो मलाई आप इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर सकते हो। ये देखिए, ये थोड़ी सी साथ से क्रीम रखेंगे और लेके देखिए क्या मज़ेदार हमारी ये बटर पनीर मसाला लग रहा है। और क्योंकि ये बटर पनीर मसाला है तो इसमें बटर भी जाएगा, तो ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे इस तरह से बटर के साथ। आप इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये, बहुत टेस्टी है। इसे आप चाहे चपाती के साथ, नान के साथ, चाहे आप इसको पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार मज़ा आएगा आपको। रोज़ के रोज़ मेरे न्यू वीडियोस देखने के लिए जाइए आप YouTube में, वहाँ पे लिखिए टाइप करिए कुकिंग विद शालिनी, सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा उसको क्लिक कीजिए, इस तरह से दबाइए, साथ ही बेल आइकन है घंटा दबाइए इस तरह से, और ऑल को क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और रोज़ के रोज़ आपको जो है मेरी नई से नई वीडियोज़ देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपने मेरी फेसबुक पेज को अब तक फॉलो नहीं किया तो जाइए फेसबुक पे कुकिंग विद शालिनी टाइप कीजिए और इस तरह से फॉलो कीजिए, और साथ में आपको मेरी जो है रेसिपीज देखने को मिलेगी, रील्स देखने को मिलेंगी, लेटेस्ट वीडियोज जो है जितनी भी सब आपको जो है यहाँ पर देखने मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई ले लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप घर में यूज करते हो वो डाल दें। इसके साथ ही तीन मीडियम साइज के प्याज हमने लिए, छीलकर धोकर जो है इस तरह हमने रफली चॉप कर लिए, ये इसमें डाल। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन को हमने छीलकर जो है इस तरह से 8 से 10 फ्लेक्स हमने इसमें डाल देंगे। प्याज का फ्लेम फुल पे रखना है और इसको लगातार इस तरह से हिलाते हुए हमने जो है इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर जब हम इसको सॉटे करें तो इसमें ऑयल उतना होना चाहिए कि आराम से जो है हमारे अच्छे से ये सॉटे हो सके। तो आप देख सकते हो कलर इसका चेंज हो गया। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर बिल्कुल रेड कलर के लिए और इस तरह से रख के चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। टमाटर को धोकर इस तरह से हमने डालना है, फैला लेते हैं इसको, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसके अंदर डालेंगे हम, ऐड करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा से नहीं डालना, हल्का सा हमने जो है इसके अंदर नमक ऐड कर लेना है। तो मैं जो है इसमें 1/3 स्पून के करीब नमक ऐड करूँगी, लगातार इसको हिलाएंगे और ढककर रख देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो लीजिए ढककर मैंने इसको 1 मिनट के लिए पका लिया, और हल्के हल्के जो टमाटर हमारे हैं आप एक हफ्ते इस तरह से दबाएँ तो दब रहे हैं, यानी कि सॉफ्ट हो गए। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसके एक पेस्ट। टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं, मिक्सी के जार में हमने इसको डाल दिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी तकरीबन 1/3 कप के करीब, और इसकी जो है हम एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। नीचे आप देख सकते हो इसकी पेस्ट बनके तैयार हो गई। और कोई भी कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे देसी घी, तो 2 चम्मच मैंने भरकर देसी घी के डाल लिए। अब इसके अंदर डालूंगी मैं प्याज और शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से जो है इसके कट कर लिया, आप देख सकते हो शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया, और इस तरह से मैंने इसके जो प्याज के इस तरह से पत्ते पत्ते जो है अच्छे निकाल लिए। इसको हमने अच्छे से जो है सॉटे कर लेना है, हल्का हल्का हम इसको सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा देर हमने नहीं करना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाते हैं, बस इसको सिर्फ हमने आधा मिनट के करीब तेज फ्लेम में इस तरह से सॉटे कर लेना है। फ्लेम फुल रखेंगे, लीजिए आधा मिनट हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 लाल सूखी मिर्चें, गैस को फ्लेम हल्का कर लेंगे, और इसके अंदर जाएगी अब हींग, तो 1/3 स्पून इसमें हींग डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हींग से इसका। 1 चम्मच मैं देसी घी का इसके अंदर और ऐड कर दूंगी, और इसके अंदर हम डालेंगे लाल देगी मिर्च। लाल देगी मिर्च से बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है और अच्छी भी ये बहुत लगती है, टेस्ट बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें 1/3 स्पून के करीब डाल देंगे मिर्च का। और इसके साथ ही हमने जो प्योरी बनाई है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हम मिक्स कर लेते हैं।
इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी, जितना भी जार में हमने पीसा है उसी जार में हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम तेज कर लेंगे और तेज फ्लेम में हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। तो आपके पास किचन किंग मसाला हो तो किचन किंग मसाला डाल सकते हो, ये तो मेरी रेसिपीज मैंने मसाले की डाली है, जैसे कि मीट मसाला वो आप डाल सकते हो इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है उससे। जितने भी मसालों की रेसिपीज मैंने डाली है सब बिल्कुल प्योर है, प्योर वेजिटेरियन है, ये मत समझिए कि मीट मसाला है तो नॉनवेज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन जो है ये मसाले हैं, तो ये आप इसमें डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा स्पाइसी चाहते हो तो आप दो चम्मच डाल दीजिए, ये तो एक चम्मच मोटे से कुछ। इसके साथ ही चला जाएगा आधा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा पाउडर से भी फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। मिक्स कर लेते हैं इसको और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम, क्रीम हो तो क्रीम ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप इसमें घर में दूध में से निकली हुई मलाई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, इससे फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो लीजिए हमने इसमें एक कप के करीब जो है क्रीम डाल दिया, तो हमने इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम डाली है, आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में या मॉल में आपको इजीली मिल जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हो अपना नमक, अगर आपको लगे कि नमक कम है तो और ऐड कर सकते हो, मैं जो है इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, नमक हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार, मैं इसमें 1/3 स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया और इसको अच्छे से मैं मिक्स के साथ में इसमें ऐड कर देंगे प्याज और शिमला मिर्च हमने जो सॉटे किया था वो भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे पनीर, पनीर के मैं छोटे छोटे पीसेस जिस तरह से कट करें ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, गैस का फ्लेम फुल रखेंगे। अब कोई भी हम इस तरह से एक कप या कटोरी ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे देसी घी, तो देसी घी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल देगी मिर्च, तो मेल्टेड देसी घी होना चाहिए, एक चम्मच इसमें लाल देगी मिर्च चल जाएगी। इसको अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो इसको हल्का सा मेल्ट करने के लिए बस 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया और ये इस तरह से पतला पतला हो गया, तो ये डाल देंगे इसके अंदर एक चम्मच, हिला लेते हैं। अब जाएगी हमारी इसके अंदर एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी, एक बड़ा चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी का ऐड कर देंगे, इसके फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़ा सा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बस ये बनकर तैयार हो गई, गैस को बंद कर देंगे और इसको सर्व कर, तो जिसमें हमने सर्व करना है वो एक बोल ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे अपना ये पनीर बटर मसाला, बहुत ही बढ़िया बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये आप देख सकते हो। तो धनिया भी इसमें डाल देंगे और इसको हम गार्निश कर देंगे बटर के साथ, और ये देख सकते हो कितनी मज़ेदार से ये बनकर तैयार हो गई है। इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ खा सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत के बाद मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, लाइक का बटन तो बनता है, तो जल्दी से दबा दीजिए, खूब शेयर करें, तो मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ, धन्यवाद।